नमस्कार, स्वागत है आपका भारत मौसम विज्ञान विभाग के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान प्रोग्राम में, जिसमें कि हम देखेंगे कि पिछले सप्ताह हमारा भारत में मौसम कैसा रहा और आगे आने वाले 2 सप्ताह तक भारत के में मौसम कैसा रहेगा और किन किन हिस्सों में भारी बारिश होगी और किन किन इलाकों में मानसून एक्टिव रहेगा और कहाँ कहाँ पे मानसून कमजोर रहेगा। आइए हम देखते हैं। पिछले हफ्ते की अगर हम बात करें, यानी कि 16 से 21 जुलाई, तो पिछले हफ्ते जो हमारा मानसून ट्रफ था और खास करके उसका जो पश्चिमी हिस्सा था, वो हमारा जो उसकी नॉर्मल पोजीशन से साउथ में रहा है, खास करके 16 और 17 जुलाई को, और 17 जुलाई के बाद वो धीमे धीमे करके नॉर्थ की तरफ शिफ्ट हुआ है और अपने नॉर्मल पोजिशन में पहुँच गया है। वहीं जो मानसून ट्रफ का अगर उत्तरी हिस्से की बात करें, तो वो 20 जुलाई तक अपने नॉर्मल पोजिशन से नॉर्थ में रहा है और उसके बाद 20 जुलाई के बाद वो अपने नॉर्मल पोजीशन में वापस लौट के आ गया है। वहीं पिछले हफ्ते लगभग लगभग पूरे ही सप्ताह भर एक हमारा पश्चिमी तट पे ऑफशोर ट्रफ हमें मिलता रहा है। इसके साथ ही पिछले सप्ताह के कुछ दिनों में हमें एक सियर जोन भी मिला है, जो कि मध्य भारत से होके गुजरा था, और इसके अलावा कुछ एक स्थानों पर हमें साइक्लोनिक सर्कुलेशन मिले हैं, जो कि 2 से 3 दिन तक अलग अलग हिस्सों में रहे हैं और उसके बाद वहीं पे कमजोर पड़ गए हैं। ये हम अगर हम सैटेलाइट पिक्चर में देख पा रहे हैं कि हमारे भारत के किन किन हिस्सों में कहाँ कहाँ पे बादल छाए रहे हैं, कहाँ कहाँ पे बारिश हुई है, तो हम देख पा रहे हैं कि खास करके हमारा जो उत्तरी भारत है और उससे लगा हुआ जो उत्तरी पश्चिमी भारत और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में पिछले सप्ताह के 2 से 3 दिनों में काफ़ी ज़्यादा इलाकों में बादल छाए रहे हैं और हमें वहाँ पे अच्छी बरसात मिली है। वहीं जो पश्चिमी अगर तट की हम बात करें और उससे लगा हुआ जो लैंड का एरिया है, वहाँ पे लगभग पूरे ही सप्ताह भर हमारे बादल छाए रहे हैं और हमें अच्छी बरसात मिली है। वहीं अगर मध्य भारत और उससे लगा हुआ जो दक्षिणी प्रायद्वीप है, वहाँ पे सप्ताह के अधिकतर दिनों में वहाँ पे हमें बादल छाए रहे हैं और अधिकतम दिनों में हमें बारिश मिलती रही है। और वहीं पे जो सीधे हाथ पे हम ग्राफ देख फिगर देख पा रहे हैं, वो हमें दर्शाता है कि भारत के किन हिस्सों में भारी वर्षा हुई है। तो जो डार्क नीला कलर है, वो हमें भारी या अत्यधिक भारी वर्षा दर्शाता है। तो खास करके जो पश्चिमी तट है, वहाँ पे हमें अत्यधिक भारी बारिश मिली है, और इसके अलावा जो उत्तराखंड है और पूर्वी उत्तर प्रदेश है, वहाँ पे भी हमें पिछले सप्ताह एकाध स्थानों पर भारी बारिश मिली है। और अगर हम महाबलेश्वर की बात करें, तो 21 जुलाई को वहाँ पे हमें 48 सेंटीमीटर बारिश मिली हुई है, और अभी तक का जो सबसे ज़्यादा बारिश है वो हमें 11 अगस्त सन 2008 को मिला था वहाँ पे, जो कि 49 सेंटीमीटर था। पिछले सप्ताह में खास करके जो हमारा कोंकण का इलाका है और उससे लगा हुआ जो मध्य महाराष्ट्र का इलाका है, वहाँ पे हमें पूरे सप्ताह भर एकाध स्थानों पे अत्यधिक भारी वर्षा भी मिलती रही है। इसके अलावा सप्ताह के एकाध दिनों में हमें पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी अत्यधिक भारी बारिश मिली हुई है। अगर हम मानसून की बात करें, तो जो हमारा लाल कलर है, वो हमें जिन जिन इलाकों में मानसून कमजोर रहा है वो क्षेत्रों को दर्शाता है। तो खास करके हम देख पा रहे हैं कि जो उत्तरी भारत है और उससे लगा हुआ जो मध्य भारत है और उत्तरी पश्चिमी भारत है, वहाँ पे 16-17 जुलाई को मानसून हमारा काफ़ी कमजोर रहा है। उसके अलावा 18 जुलाई और उसके बाद से वहाँ पे हमें बारिश मिलनी चालू हो गई थी, तो मानसून हमारा वहाँ पे नॉर्मल हो गया था। वहीं अगर हम दक्षिणी प्रायद्वीप की बात करें, तो दक्षिणी प्रायद्वीप में पूरे सप्ताह भर हमें अच्छी बारिश मिलती रही है और वहाँ पे पूरे ही सप्ताह भर हमारा मानसून एक्टिव या विग्रस रहा है। इसके साथ ही जो पश्चिमी तट है और उससे लगा हुआ जो हमारा लैंड का एरिया है, वहाँ पे भी पूरे सप्ताह भर हमारा मानसून काफ़ी अच्छा रहा है और हमें काफ़ी अच्छी बारिश वहाँ पे मिली हुई है। अगर हम देखें कि पिछले सप्ताह में कहाँ पे कितना बारिश हुई है और पूरे सीजन में हमारा कितना बारिश हुआ है, तो हम नीचे दिए हुए टेबल से देख पा रहे हैं कि खास करके जो हमारा पूर्वी और उत्तरी पूर्वी भारत है, वहाँ पे हमें 37% कम बारिश मिली हुई है, जितनी की होनी चाहिए पिछले सप्ताह में। इसके साथ ही जो मध्य भारत है, वहाँ पे हमें 15% बारिश कम मिली है, और इसके अलावा जो उत्तरी पश्चिमी भारत है और दक्षिणी प्रायद्वीप है, वहाँ पे हमें जितनी बारिश होनी चाहिए थी उससे हमें अधिक बारिश मिली है। और अगर पूरे देश की अगर बात करी जाए, तो पिछले सप्ताह में हमें
3% बारिश कम मिली हुई है। और अगर हम पूरे सीजन को देखें, यानी कि 1 जून से लेकर के 21 जुलाई की बात करें, तो हमारा जो पूर्वी और उत्तरी पूर्वी भारत है वहाँ पे हमें 13% कम बारिश मिली है, उत्तरी पश्चिमी भारत में 9% कम बारिश मिली है और मध्य भारत में 8% बारिश कम मिली है। इसके अलावा जो दक्षिणी प्रायद्वीप है वहाँ पे हमें काफ़ी अच्छी बरसात मिली है और जो कि 20% अधिक है। और अगर पूरे देश की बात करें तो हमें 5% बारिश कम मिली है। और अगर हम संख्या को देखें तो हमें पूरे सीजन में पूरे देश में अभी तक 339 मिलीमीटर बारिश मिली है और जबकि हमें 356 मिलीमीटर मिलनी चाहिए थी। वहीं पे अगर हम डेली बारिश को अगर देखें तो खास करके 19 जुलाई के बाद से हमें पूरे देश में काफ़ी हिस्सों में, अलग अलग हिस्सों में काफ़ी अच्छी बारिश मिल रही है। और जैसा कि हम इन ग्राफ में भी देख पा रहे हैं कि 19 जुलाई के बाद से हमारा जो मानसून है वो काफ़ी एक्टिव हुआ है और हमें नॉर्मल से अधिक बारिश मिली हुई है। वहीं पे अगर हम आज 22 जुलाई की बात करें तो हमारे जो मेन सिनॉप्टिक फीचर थे, हमारे पास एक मानसून ट्रफ है जो कि लगभग साउथ पंजाब से होकर के उत्तरी पूर्वी बंगाल की खाड़ी तक जा रहा है। और इसके अलावा हमारा एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है उत्तरी पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में। एक हमारे पास पश्चिमी तट पे ऑफशोर ट्रफ भी बना हुआ है और इसके साथ ही एक पश्चिमी विक्षोभ भी है जो कि हमें एज ए ट्रफ दिखाई दे रहा है अफगानिस्तान के ऊपर। और इसके अलावा एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी बना हुआ है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। और अगर हम आगे आने वाले सप्ताह की बात करें तो जो हमारा कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है उत्तरी पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में, वो अगले 2 से 3 दिनों तक थोड़ा सा पश्चिमी दिशा में आगे की तरफ बढ़ेगा। जैसे जैसे ये आगे बढ़ता चला जाएगा उसी के हिसाब से हमें उत्तरी पूर्वी भारत में अगले 2 दिनों तक अच्छी बारिश मिलती रहेगी। जब यही कम दबाव का क्षेत्र हमारा और आगे बढ़ेगा तो साथ ही हमें मध्य भारत में अगले 3 दिनों तक अच्छी बारिश मिलेगी। और जैसे ही ये थोड़ा और आगे बढ़ेगा तो उसके साथ ही हमें खास करके जो गुजरात गुजरात है वहाँ पे हमें 25 और 26 तारीख को अच्छी बारिश देखने को मिलेगी। और अगर हम मान ऑफशोर ट्रफ की बात करें जो कि पश्चिमी तट पे है, तो वो वहाँ पे अगले 2 से 3 दिनों तक वहीं पे रहने वाला है, जिसके चलते अगले 2 से 3 दिनों तक हमें काफ़ी अच्छी बरसात मिलेगी पश्चिमी तट पे। अगर हम वेदर वार्निंग की बात करें अगले 5 दिनों की, तो जैसा कि अभी हमने देखा कि हमारा जो कम दबाव का क्षेत्र अभी उत्तरी पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में है, जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा उन इलाकों में ये काफ़ी अच्छी बरसात देते हुए जाएगा। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि हमने 22 जुलाई को खास करके जो दक्षिणी छत्तीसगढ़ का इलाका है, विदर्भा है और तेलंगाना है, वहाँ पे हमने रेड कलर का वार्निंग दिया हुआ है। इसका मतलब है कि वहाँ पे हमें अत्यधिक भारी बारिश मिलेगी 22 जुलाई को। इसके साथ ही हमें जो अगर हम पश्चिमी तट की बात करें तो खास करके जो कोंकण का इलाका है उससे लगा हुआ मध्य महाराष्ट्र का इलाका है और जो कर्नाटक का तटीय क्षेत्र है वहाँ पे भी हमें 22 तारीख को अत्यधिक भारी वर्षा मिलेगी। और इसके अलावा जो है पूर्वी भारत है और जो मध्य भारत है वहाँ पे लगभग हमें अगले 2 से 3 दिनों तक एकाध स्थानों पे भारी से अत्यधिक भारी वर्षा मिलती रहेगी। हालांकि 24 तारीख और उसके बाद से वहाँ पे बारिश में काफ़ी ज़्यादा गिरावट हमें देखने को मिलेगी, लेकिन फिर भी कुछ एक स्थानों पे हमें हल्की से मध्यम बारिश चलती रहेगी। वहीं अगर हम पश्चिमी तट की बात करें तो 3 दिनों तक वहाँ पे भारी से अत्यधिक भारी वर्षा होने वाली है और 3 दिनों के बाद यानी कि 25 जुलाई और उसके बाद वहाँ पे बारिश में थोड़ी कमी आएगी, लेकिन फिर भी वहाँ पे हल्की से मध्यम वर्षा कुछ एक स्थानों पे हमें मिलती रहेगी। वहीं अगर हम उत्तर भारत और उससे लगा हुआ जो उत्तरी पश्चिमी भारत है वहाँ की बात करें तो वहाँ पे अगले 3 दिनों तक कोई बहुत ज़्यादा हमें बारिश नहीं देखने को मिलेगी, सिवाय उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश को अगर छोड़ दिया जाए तो वहाँ पे हमें अगले 2 दिनों में एकाध स्थानों पर भारी वर्षा देखने को मिल सकती है। जबकि 25 जुलाई से उत्तरी पश्चिमी भारत और उससे जो लगा हुआ क्षेत्र है वहाँ पे बारिश काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगी, तो उन इलाकों में 25 और 26 जुलाई को हमें भारी से अत्यधिक भारी वर्षा एकाध स्थानों पर देखने को मिलेगी, जबकि हल्की बारिश काफ़ी बड़े इलाके में देखने को मिलेगी। वहीं जो उत्तरी पूर्वी भारत है वहाँ पे अगले 3 दिनों तक बहुत ही हल्की बारिश ही चलती रहेगी जो कि कुछ एक स्थानों पे ही देखने को मिलेगी, जबकि 26 जुलाई के बाद से वहाँ पे हमारा बारिश बहुत तेज़ी से बढ़ेगी जिसके चलते वहाँ पे हमें कुछ एक स्थानों पे भारी से अत्यधिक भारी वर्षा भी 26 जुलाई और उसके बाद देखने को मिलेगी। इसके साथ ही अगर हम
जैसा कि देख पा रहे हैं इस चित्र में, जो अगला सप्ताह आने वाला है 23 जुलाई से 29 जुलाई के बीच में, तो इस सप्ताह में हमें लगभग लगभग पूरे ही भारत में सिर्फ कुछ इलाकों को छोड़ करके, जैसे कि जम्मू कश्मीर, पश्चिमी राजस्थान, तमिलनाडु और आंतरिक कर्नाटका का कुछ हिस्सा और आंध्र प्रदेश का कुछ हिस्सों को अगर हम छोड़ दें, तो बाकी पूरे भारत में हमें काफ़ी अच्छी बरसात देखने को मिलेगी। इसका मतलब है कि मानसून हमारा ज़्यादातर इलाकों में काफ़ी एक्टिव रहेगा। वहीं पे जम्मू कश्मीर, पश्चिमी राजस्थान, तमिलनाडु और कर्नाटक का कुछ हिस्सा और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से में मानसून हमारा कमज़ोर रहेगा, बहुत अच्छी बारिश हमें देखने को नहीं मिलेगी। वहीं पे अगर हम दूसरे सप्ताह की बात करें, यानी कि 30 जुलाई से 5 अगस्त के बीच में, तो हमें पश्चिमी तट पे काफ़ी अच्छी बारिश देखने को मिलेगी दूसरे सप्ताह में। और पश्चिमी तट के अलावा जो हमारा उत्तरी भारत है और उत्तरी पूर्वी भारत है, वहाँ पे हमें काफ़ी इलाकों में काफ़ी अच्छी बरसात देखने को मिलेगी। और वहीं अगर हम बचे हुए उत्तरी पश्चिमी भारत, खास करके जो हमारा राजस्थान का इलाका है और मध्य भारत की अगर बात करें, और जो हमारा ज़्यादातर हिस्सा जो दक्षिणी प्रायद्वीप का है और ज़्यादातर हिस्सा जो हमारा पूर्वी भारत का है, वहाँ पे हमें बारिश में थोड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। इसका मतलब है वहाँ पे हमारा मानसून या तो नॉर्मल रहेगा या वीक रहेगा, बहुत ज़्यादा बारिश नहीं देखने को मिलेगी। इसके साथ ही आप हमारा मौसम ऐप भी डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं, जिसमें आप अपने किसी पर्टिकुलर क्षेत्र की मौसम की जानकारी जान पाएंगे। आप हमारा दामिनी ऐप यूज कर सकते हैं, जिसमें आपको हमारा कहाँ कहाँ पे बिजली गिरने की संभावना है या कहाँ कहाँ पे बिजली इस समय गिर रही है, उन क्षेत्रों की जानकारी मिलेगी। और साथ ही अगर आपको कृषि से संबंधित मौसम की कोई भी जानकारी चाहिए, तो हमारा मेघदूत ऐप आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा आप मौसम विभाग की जो वेबसाइट है mausam.imd.gov.in, उस पर भी जाके हमारा मौसम की जानकारी पा सकते हैं। और इसके साथ ही हमारा जो फेसबुक पेज है, हमारा ट्विटर पेज है, हमारा इंस्टाग्राम पेज है, और साथ ही साथ हमारा जो यूट्यूब का चैनल है, वहाँ पे जाकर आप हमको फॉलो कर सकते हैं, जिसमें कि आपको डिटेल्ड मौसम की जानकारी, भारत के किसी भी क्षेत्र के किसी भी टाइम की आपको जानकारी मिल पाएगी। धन्यवाद।